तो हेलो गाइस, आज की ब्लॉग वीडियो में हम आए हैं बेंजल बीट रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि इलाहाबाद के अंदर है और इनके स्टूडियो के अंदर हम पहुंचे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं बेंजल बीट स्टूडियो का पूरा नज़ारा और पूरे के पूरे कलाकार। तो स्टूडियो यहाँ अंदर लगाया गया है, तो हम स्टूडियो के अंदर पहुंच चुके हैं। हेलो, तो हेलो गाइस, मैं कैमरामैन जस्सी के साथ स्टूडियो के अंदर पहुंच चुका हूं, बेंजल स्टूडियो। यहां पर मेरे जो सरवण भाई हैं बैठे हैं और इनके साथ यहां पर और भी कलाकार हैं जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार यहां पर विराजमान हैं। तो अंदर आइए, मैं आपको स्टूडियो का जो पूरा का पूरा स्टूडियो के अंदर का जो सिस्टम है वो आपको बता देता हूँ। बेंजल बीट स्टूडियो यहाँ पे सबसे पहले गर्मी के लिए एसी लगा हुआ है, बड़ी एलसीडी लगी हुई है और यहाँ पर जो स्पीकर लगे हुए हैं बढ़िया कंपनी के स्पीकर हैं। इधर चेयर भी आप देख सकते हैं और उस साइड में इसका जो रिकॉर्डिंग रूम है वो उस साइड बना हुआ है। तो आगे की जो बातचीत है इनसे शुरू करते हैं। भाई साहब आप बैठिए, आओ आप भी बैठो, फिर बैठो, टेबल दो एक, बैठो सर, एक और लेके आओ, आओ। तो गाइस, बेंजल स्टूडियो के अंदर हम पहुंच चुके हैं और इनकी जो पूरी की पूरी टीम है वो आज यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम अचानक आए थे, बिना बताए यहाँ पे पहुंच चुके थे। आज तो हाल ही में इनका एक वायरल वीडियो है जो एक दुल्हन अपने प्रेमी के लिए सॉन्ग गाती है, गीत गाती है और उस गीत के अंदर रोने लग जाती है और वो वीडियो आप हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर आपको नज़र आएगा। वो इसी टीम का था और इसी रूम का था, इसी स्टूडियो का था। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि सरवण जी, आपने वो वीडियो बैठे बिठाए ऐसे ही बना दिया कि क्या हुआ, क्या जब आपने वो वीडियो बनाया तो क्या सोच के बनाया और कैसे वायरल हो गया? वो एक्चुअली हमारा एक दिन में शूट था, एक म्यूजिक वीडियो शूट करके आए थे हम लोग और उसमें स्वीटी ने गेटअप वही था, इसका दुल्हन वाला गेटअप था और नंदू था अपना राइटर, उसका भी वो गेटअप था दुल्हे वाला। तो हम लोग आके बैठे, वो एकदम से आइडिया आया और एकदम से हमें आके वन टेक में वो रिकॉर्ड कर दिया। यार आइडिया नहीं था भी इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा, हम लोग तो उसको पोस्ट ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने बेंजल सर बोले भी डाल देते हैं, फिर हमने उनको पोस्ट कर दिया। तो एक दिन बाद वो वायरल हो गया था, व्हाट्सएप पे वायरल हो गया, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह, फिर वो हर प्लेटफॉर्म पे, मैंने खुद देखा आपका जो वीडियो था हर प्लेटफॉर्म पर था। और दोस्तों, उस वायरल वीडियो के अंदर जो आपको दुल्हन दिखाई दे रही है, तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि जो स्वीटी जी हमारे पीछे खड़े हैं ये उस वीडियो में दुल्हन का जो रोल इन्होंने किया था, तो मैं भी इनको देख के पहचान नहीं पाया कि इन्होंने वो रोल किया था। तो आपसे मिलवाते हैं उस वायरल वीडियो की जो दुल्हन है, एक्स प्रेमी के लिए गीत गा रही है, वो स्वीटी जी है। तो स्वीटी जी, आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हेलो गाइस, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? हमें इतना आइडिया नहीं था वो वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, हम तो बस ऐसे प्रैंक कर रहे थे और आपने उस वीडियो को वायरल कर दिया, इतना प्यार दिया, धन्यवाद उस वीडियो को वायरल होने के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और एक्स बॉयफ्रेंड के लिए जो गाना गाया था मैंने, बहुत अच्छा गाया था, उसे इसी तरह और प्यार दो ताकि मैं और अच्छे अच्छे गाने गा सकूँ। तो इनको भी सपोर्ट करो, स्वीटी जी को। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस स्टूडियो से कई सालों से जुड़ा हूं और सरवण भाई साहब का एक बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है जहां पे लव स्टोरी, हिंदी सॉन्ग और लव शायरी जो कि मेरे द्वारा लिखी हुई भी वहां पे कुछ कहानियां अपलोड हैं और उस चैनल का नाम है अर्निंग म्यूजिक चैनल, यूट्यूब पर आप सर्च करो। तो दोस्तों, ये है हमारा जो बेंजल स्टूडियो और इनके जो ऑपरेटर हैं हमारे सरवण भाई। तो दोस्तों, इस बेंजल स्टूडियो में आपको एकदम बढ़िया म्यूजिक यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप गाने के इच्छुक हैं, अगर आप मॉडलिंग के इच्छुक हैं, अगर आप कैमरामैन हैं, अगर आप राइटर हैं। तो मैं बेंजल स्टूडियो के जो नंबर है वो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी हर तरह की हेल्प करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा, अगर आपको कम गाना आता है तो भी आपको इतना बढ़िया गवा देंगे, इतना अच्छा गायकी में आपको उतार देंगे कि इनका निखारा हुआ बंदा कभी गायकी में या किसी चीज़ में पीछे नहीं आएगा। तो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे और हमारी भी आपको हर तरह से सपोर्ट रहेगी।
अगर आप नए कलाकार हो तो भी इनसे मिलो, और कुछ करने की आप में तमन्ना है तो भी इनसे मिलो, YouTube पे आप काम करना चाहते हो तो भी इनसे मिल सकते हो, और लड़के और लड़कियां दोनों इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को ये बहुत ही बढ़िया प्रमोट करेंगे और बहुत ही बढ़िया आपको लाइन देंगे। तो इतना कहते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक दो कॉमेंट ठोक दें। थैंक यू।